अलगाववादियों के बंदी के ऐलान को वापस लिए जाने के बाद घाटी में एक लंबे अंतराल के बाद आम जनजीवन पटरी पर उतरा। पिछले कई महीनों से अलगाववादियों के बंद और हिंसा की वजह से फैला तनाव उस वक्त खत्म होता नजर आया जब लोगों ने सुकून और शांति के माहौल में अपने घरों से बाहर कदम रखा। इस दौरान सड़कों और बाजारों में लोगों की भीड़ और रौनक छाई रही। लोग ईद उल जुहा की तैयारियां करते नजर आए। त्योहार के दौरान बंदी वापस लिए जाने से लोग न सिर्फ राहत की सांस ले रहे हैं बल्कि बेहद खुश भी हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हमें बहुत मुश्किल होती थी हड़तालों में, अब तो राहत का सांस मिल रहा है। गौरतलब है कि अलगाववादियों ने आने वाले त्योहार ईद उल जुहा को देखते हुए घाटी में अपने बंद को 20 नवंबर तक के लिए वापस ले लिया है। बहरहाल हुर्रियत के इस फैसले ने न सिर्फ घाटी में अमन और चैन के माहौल को फिर से बहाल किया है बल्कि लोगों को ईद उल जुहा का तोहफा भी दिया है। इमरान शाह के साथ कल्पना कुमारी, न्यूज़ पॉइंट।